स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे गणेश माली फाइनेंस। SWP सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान, SIP तो बहुत बार सुना है कि सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टेमेटिकली इन्वेस्टमेंट करो, सिस्टेमेटिकली कंटिन्यू करो और वहां पे वो सिस्टेमेटिकली अपना पैसा ग्रो करता रहेगा। बट विड्रॉल कैसे, विड्रॉल कब करना है और कौन सा पैसा हमें विड्रॉल करना है, ये जो कैलकुलेशन है ये समझना बहुत जरूरी है। तो आज मैं इसी कैलकुलेशन के लिए आपको पूरा डिटेल वीडियो है डिटेल में बताने वाला हूं। कागज और पेन लेके बैठ जाइए और उसको जेरोक्स करके आपके बेडरूम में चिपका दीजिए ताकि ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। अगर आपका दिमाग बहुत शार्प है तो आप आपके दिमाग में अभी से फिट बिठा लीजिए। होता क्या है ना, SIP हमें पता है, SWP पता नहीं है। हम SIP करते आ रहे हैं, SWP हमें पता नहीं है, रिटायरमेंट प्लानिंग हमें पता नहीं है, रिटायरमेंट प्लानिंग हमने की नहीं है। तो आज का वीडियो हमें रिटायरमेंट के लिए बनाया हुआ है कि हम SIP थ्रू हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं और हमारा विड्रॉल भी हमारा अमाउंट कैसे कर सकते हैं। तो 15 साल में रिटायरमेंट लेने का तरीका SWP थ्रू, ओके, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर दिया, अभी उसी पैसे को सिस्टमेटिकली हमें विड्रॉल भी करना है। ये सारा कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में इंफॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ पे क्या है ना, एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे ना, जिसने जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया उसके लिए फाइनेंशियल गोल पाना इजी है, बट जिसका एज ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया तो उसके लिए ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो रिटायरमेंट में कुछ SWP कर पाएगा। तो जो लोग 25 से 45 के बीच में है वीडियो देखने वाले, इनके लिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में, बहुत सारा कैलकुलेशन उनके लिए है। बट जिनका एज ऑलरेडी 45 से 50 के 60 के अराउंड है तो उनके लिए भी इंफॉर्मेशन है, बट उनको ज्यादा अमाउंट लगेगा, ज्यादा पैसा लगेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए ताकि वो अपने रिटायरमेंट के लिए अच्छे से SWP कर सके। सो हम यहां पे समझते कि हमारा मंथली SIP रहेगा 15,000 रुपए पर मंथ, हम करेंगे 15 साल के लिए और एनुअल रिटर्न हम 15 एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में अब ये क्वेश्चन आया होगा कि 15% कौन देता है, ये उन्हीं के दिमाग में आया होगा जो लोग FD, RD, PPF और सेविंग अकाउंट में पैसा रख रहे हैं, बिकॉज वहां पे दो 4% 7% रिटर्न आ रहा है। तो उनका क्वेश्चन सही है, बट एक बार आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे, 100 रुपए से करो, 200 से करो, 500 से करो, जब स्टार्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये 15% नहीं, ये जाता है 20%, 22%, 25%। सो इसलिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और हम एवरेज रिटर्न हम यहाँ पे 15% पकड़ रहे हैं। अगर ये जर्नी हम स्टार्ट करते हैं और ये प्लान के साथ करते हैं, इस कैलकुलेशन के साथ करते हैं, तो हमारा टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड हो जाएगा 27 लाख रुपीज और मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 1,02,00,000 रुपीज और हमें गेन मिल रहे 74 लाख रुपीज। मतलब हमने जब हमारा 27 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया तब हमें 1,02,00,000 मिला है। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट SIP। अभी ये SIP तो कर दी, इन्वेस्टमेंट हो गया, अभी रिटायरमेंट भी आ गई और हमें विड्रॉल भी करना है। अब इससे पहले एक बात आपको बताता हूं, मैंने एक मेरे फ्रेंड को म्यूचुअल फंड के लिए SIP सजेस्ट किया था कि आप SIP करो ताकि आपके आने वाले सालों में आपको विड्रॉ कर सको और एक अच्छे से आपकी लाइफ सर्वाइव कर सको। तो उसने कहा तो कि अभी क्या करना है ना, अभी तो हमारे पास बहुत समय है, बाद में कर देंगे। तो ऐसे ही करके एक बार 60 ईयर्स के हो जाएंगे तब हम बोलेंगे कि अभी हमें म्यूचुअल फंड में या जहां पे भी कहा इन्वेस्टमेंट करना है, तब समय बोलेगा कि अब मेरे पास समय नहीं है। तो ये सही टाइम है SIP करने का। जब आप सोच रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आप अभी डिसीजन ले सकते हो कि आपको कब रिटायर होना है, कितने सालों में आपकी रिटायरमेंट आ रही है, तो उसके लिए आपने कैसे SIP स्टार्ट करना चाहिए। अभी ये हमारा अमाउंट 74 लाख रुपीज हमने गेन कर दिया और 1,02,00,000 रुपए हमारे पास टोटल अमाउंट हो गया। हम ये 2,00,000 रुपीज है ना, ये हमने यूज कर लिया एंजॉय के लिए, घूमने के लिए, ट्रिप के लिए, शॉपिंग के लिए। अभी हमारे पास 1,00,00,000 रुपीज है, हमने वही 1,00,00,000 रुपए SWP प्लान में डाल दिए, टोटल अमाउंट हो गई हमारी 1,00,00,000 रुपए इन्वेस्टेड अमाउंट। तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में हमने वो अमाउंट डालने के बाद वहां पर हम 15 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे
और हर मंथ 50,000 रुपए पर मंथ विड्रॉल भी करेंगे। 1 करोड़ जो हमें मिले थे हमारे इन्वेस्टमेंट थ्रू, वो हमने अब यहाँ पे SWP प्लान में इन्वेस्ट कर दिए 15 साल के लिए। और 15 साल के लिए इन्वेस्ट करने के बाद 50,000 रुपए पर मंथ हम वहां पे विड्रॉल करेंगे हर मंथ के लिए। ओके, तो 15 प्लस 60 के होने के बाद हमने SWP स्टार्ट किया था और 15 साल तक SWP रखने वाले, तो आप 75 के हो जाएंगे। इस 75 ईयर्स में आपने हर महीने 50,000 रुपए SWP भी किया है, मतलब आपने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया 1 करोड़, टोटल विड्रॉ कर लिया 15 साल में 90 लाख रुपए और फाइनल बैलेंस बच गया 2,36,00,000 रुपीज। ओके, ये कैसे हुआ ना, ये हुआ कैलकुलेशन। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 1 करोड़ रुपए था, विड्रॉ पर मंथ हमने 50,000 रुपए कर दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने 10% किया है। 10% क्या ना, ये हमने विड्रॉल करने का 10% किया है 1 करोड़ के साथ 50,000 रुपए पर मंथ। बट आपने जो 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया था वो 15 साल के लिए, तो वहां पे आपको 15%, 18%, 20% रिटर्न मिला है। तो वहां से तो आपने 10% ही रिटर्न किया, बट जो बचा हुआ अमाउंट था वो कंपाउंड होता रहा, तो 15 साल में कंपाउंड होके उसने आपको 2,36,00,000 रुपए आपके अकाउंट में बचा के रखा। तो ये होता है कंपाउंडिंग 15 साल में। तो इसमें आपका क्या हुआ कि आपका जो मैच्योरिटी था और जो आपको ईयरली मंथली निकालने थे 50,000 रुपए पर मंथ, वो भी हो गया और आपका फाइनेंशियली फ्रीडम गोल भी अचीव हो गया। मतलब आपने 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के थ्रू 90 लाख विड्रॉ भी कर दिया, 2 करोड़ आपने बचा के भी रखा। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, बट ये कमाल म्यूचुअल फंड में ही होगा। अगर आप आज की डेट में 15,000 से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, आपकी एज अगर कम है तो आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप 5,000 पर मंथ करो, 25 साल के लिए करो। अगर आपकी एज अच्छी है, ज़्यादा है पेमेंट, आप 10,000 रुपये करो और आप वो 20 साल के लिए, और आप ऑलरेडी एज ज़्यादा है और आपके पास पैसा है तो आप 15,000 रुपये करो 15 साल के लिए। ये तीनों ऑप्शंस आपके लिए सुटेबल है। आप जिस एज की कैटेगरी, मैंने पहले ही बोला आपको 25 से 45, आप अगर 45 साल के हो 15,000 पर मंथ कर दो, आप अगर 30 साल के हो तो आप 20,000 रुपए पर मंथ, मतलब आप आपके अमाउंट आपके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। आपकी एज कम है, कम पैसे से स्टार्ट करो, आपका पैसा कंपाउंड होने वाला है। म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन क्या है ना, आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, टाइम की जरूरत है। आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लोग ये सोचते हैं कि मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा तो ज्यादा पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आप जल्दी स्टार्ट करो, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करो तो आपको बहुत सारे रिटर्न आएगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास टाइम होना बहुत जरूरी है, पेशेंस चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट करते रहो 15 साल तक करते रहो, उसके बाद आपको SWP करना है। लोगों को पेशेंस नहीं है, उनको आज इन्वेस्ट करने के बाद तुरंत चाहिए। किन्हीं का ये कहना है कि हमारे पास तो अभी टाइम ही नहीं है, हम अभी क्या ही इन्वेस्ट करें, अभी तो हमें शॉपिंग करनी है, घूमना है, ये सारी चीजें आज के बेसिक्स जनरेशन के पास है, तो वो आज की डेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो जब हम 50 के हो जाएंगे, 55 के हो जाएंगे और तब हम सोचेंगे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तब समय बोलेगा कि अब मेरे पास टाइम नहीं है। बिकॉज आप 5 साल में कितना इन्वेस्ट कर पाओगे और उसका क्या ही कंपाउंडिंग हो पाएगा ना। म्यूचुअल फंड में एक बेसिक कंसेप्ट है, म्यूचुअल फंड में आपको जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, 5,000 से करो या 10,000 से करो, बट ये अगर आप 15 साल 20 साल तक करते हो ना, तो यहाँ पे आपका पैसा कंपाउंड होने वाला है। जब कंपाउंडिंग का खेल शुरू होता है ना, तब हमने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न किए रहते ना वो बहुत कम रहते, वो वहां से कंपाउंड होकर पैसा आपको जब 15 साल 20 साल बाद मिलता है ना, वो बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए अर्ली स्टेज में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और SWP का प्लान, आपका रिटायरमेंट के लिए SWP का प्लान कर सकते हो। सो ये वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो मैंने आपको SIP और SWP के रिगार्डिंग कैसे हमने प्लान करना चाहिए, कैसे हमने विड्रॉ करना चाहिए, ये बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर पाया होगा। सो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।